शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। की कुंडली दोष का सच जानने के बाद भी मामा ने पहले मेरी चचेरी बहन पूनम उसको आपसे शादी करने के लिए मनाया। मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार भी ये मामा है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। मुकेश, कोई जरूरत नहीं पुलिस में शिकायत करने की। अरे हमारे घर का कोई सदस्य हवाला जाएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। भाई जी आप कैसी बातें कर रही हैं बड़ी दादी। मामा जी ने किसी की जान लेने की कोशिश की और ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अरे लेकिन उसने जो भी किया अपने लिए तो नहीं किया। किसी तरह तेरी और रिचा की शादी हो जाए यही तो चाहता था वो। करुणेश ने जो भी किया भले ही गलत था लेकिन उसका इरादा गलत नहीं था। दादी आप जो आदमी तेरे लिए खुद बुरा बन गया उसे सजा दिलवाने की बात कर रहे तू। अंजलि दीदी देखो ना बड़ी दादी क्या कह रही। मुझे इंसाफ चाहिए। आप मुझे इंसाफ दिलाएंगी ना। हम मानते हैं कि मामा जी ने जो भी कुछ किया यशी और रिचा की भलाई के लिए किया लेकिन एक की भलाई के लिए किसी दूसरे की जान लेने की कोशिश करना क्या ये सही बात है बड़ी दादी। वजह चाहे जो भी रही हो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि पल्लों के साथ इंसाफ होना चाहिए। तुझसे किसी ने सलाह मांगी? नहीं ना, अपना मुंह बंद रख। हमने सबको समझ में आ गया ना पुलिस के सामने कोई भी करुणेश का नाम ले देगा। हमने थोड़ी देर पहले अंजलि जी को एक केस की इंक्वायरी के लिए कॉल किया था। उन्होंने फौरन हमें यहाँ पे बुलाया। वो एक अपराधी के विषय में अपना बयान देना चाहती है। तुम लोगों को मेरी कसम है कोई करणेश का नाम नहीं लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए इस घर का कोई सदस्य हवालात में नहीं जाएगा। एक बात कान खोलकर सुन ले अंजलि, अगर तूने करुणेश के खिलाफ गवाही दी तो हम ऋचा और यश का रिश्ता तोड़ देंगे। अंजलि जी बताइए आपने मैं यह क्यों बुलाया। क्या हुआ आप छुप क्यों है बताइए क्या बताने चाहती।
ये नकली मूछ और दाढ़ी, इसका मतलब अपराधी पकड़ा गया क्या? कौन है वो बताइए? ये रही। इसने आप पर हमला किया, पर क्यों? यकीन नहीं होता कि बुड्ढे के वेश पे लड़की थी। गिरफ्तार करो। अंजलि दीदी, कुछ तो बोलिए आप, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इन्हें बताइए ना कि मैंने ये सब क्यों किया। इन्हें बताइए ना कि असली मुजरिम कौन है। अरे इन्हें बताइए कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे साथ जो भी हुआ वो इसने हुआ क्योंकि मैं आपको 90 दिन का राज बताने आ रही थी। मैंने आपके साथ एक खतरा मोल लिया क्योंकि आप बहुत अच्छी है अंजलि दीदी। मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग आपके साथ कुछ बुरा करे। अगर आप भी चुप रहेंगे तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? बोलो ना अंजलि दीदी। अपनी कसम देकर हमें चुप रहने के लिए क्यों कहा बड़ी दादी? मुकेश, समझा दे अपनी बेटी को, आज के बाद हमारे घर में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। और दूसरी बात, कुलकंद को अगवा करने वाली भी पकड़ी गई। अंजलि के 90 दिन कब के पूरे हो चुके हैं। चुपचाप उसे कह दे कि अपने घर लौट जाए। मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने को भी तैयार। उन्हें उनकी कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। बहुत तकलीफ दी है उन्होंने मुझे। मुझे इंसाफ चाहिए अंजलि दीदी, इंसाफ। इन्हें बताइए ना कि असली मुजरिम कौन है। मेरे साथ जो भी हुआ वो इसने हुआ क्योंकि मैं आपको 90 दिन का राज बताने आ रही थी। अगर आप भी चुप रहेंगे तो मुझे इंसाफ कौन दिलाएगा? बोलो ना अंजलि दीदी। मुझे इंसाफ चाहिए अंजलि दीदी, इंसाफ। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। मुजरिम को साथ लेकर जाइए। हम बताते हैं कि असली मुजरिम कौन है। कौन है असली मुजरिम? वो रे करुणेश मामा। खामखा नहीं बड़ी दादी, मामा जी पल्लो के गुनहगार हैं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। पल्लो की शिकायत और अंजलि जी के बयान के आधार पर हम आपको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। झूठ बोल रही है, करुणेश ने कुछ भी नहीं किया। देखिए हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए हमको इनको गिरफ्तार करना ही होगा और बाकी की कार्रवाई अदालत में होगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया इन लोगों के कहने पे किया है। अगर मुझे सजा होगी तो इन लोगों को ही होनी चाहिए। इनकी शिकायत दर्ज होने पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और सबूत मिलने पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। फिलहाल तो आप हमारे साथ चलिए और आपको भी हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं निर्दोष हूं सर। ये लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझते।
मेरे मना करने के बावजूद पुलिस बुलाकर घर के सदस्य को गिरफ्तार करवाया। अरे परिवार के सदस्य के लिए जरा सा झूठ बोल देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा? हमने तो बस अपने कर्तव्य का पालन किया है बड़ी दादी। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि किसी की भलाई के लिए सोच समझ कर बोला गया झूठ कोई पाप नहीं, लेकिन अगर आपके झूठ बोलने से वो व्यक्ति सजा का हकदार बन जाए जिसने कुछ किया भी ना, तो वो झूठ पाप है और गलत भी। मामा जी को बचाने के लिए अगर पल्लों को सजा मिले तो ऐसा पाप हमें तो क्या, हमें से किसी को भी नहीं करना चाहिए। अरे तू श्री कृष्ण नहीं है जो गीता का उपदेश देने चली? आंखों में जरा से भी शर्म बची है ना तो इस घर से हमेशा के लिए निकल जा और वापस अपनी शक्ल मत दिखाना। अंजलि नहीं यश जी, जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप भी इस षड्यंत्र में शामिल थी। ये सब करने की क्या जरूरत थी बड़ी दादी? आपका आशीर्वाद बनाए रखना गोपाल। इंसाफ दिलाकर और बिना डरे तुमने असली मुजरिम को गिरफ्तार भी करवाया। मुझे तुम पर गर्व है। हमने तो वही किया जो हमें सही लगा यश जी, फिर भी हम पे भरोसा करने के लिए थैंक यू। कहाँ जा रही हो अंजलि? जहाँ अब हमें होना चाहिए। तुम कहीं नहीं जा सकती। क्यों यश जी, आप हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। अब हमारा काम तो पूरा हो चुका है, अब किस हक से, किस रिश्ते से हम यहां रुक जाएं? नहीं अजी, अपने आप को, आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। हम बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। कुछ नहीं कर सकते यश जी, करना तो दूर की बात है, हम ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आप और रिचा एक दूसरे के लिए बने, ये
मत बोलिए कि बहुत जल्द आप दोनों की शादी होने वाली। हम चलते हैं। जय गोपाल। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि सच तो ये है कि अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरी जिंदगी बन चुकी हो तुम, तुम्हें हर हाल में वापस आना ही होगा। कहाँ हो तुम? कब मिलोगे मुझसे? तुम मेरी याद नहीं आती? हेलो, क्या उसका पता मिल गया? जल्दी भाई। हाँ, दिक्कत है ना तुझे रिचा की खुशी से? ये आप क्या कह रही हैं बहू जी? ज्यादा भोली मत बन। ताई जी ने मुझे फोन करके सब बता दिया। उन्होंने तुझे कहा था कि अगर तूने पुलिस के सामने करुणेश भैया का नाम लिया तो वो यश और रिचा का रिश्ता नहीं होने देंगी। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन हम, लेकिन क्या? तूने कर दिया जो तुझे करना था। जानबूझकर करुणेश भैया को तूने गिरफ्तार करवा दिया। तूने एक बार भी रिचा के बारे में नहीं सोचा? अगर उन्होंने सच में रिश्ता तोड़ दिया तो? ऐसा नहीं होगा बहू जी, यश जी और रिचा का रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं पूछती हूँ, अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा? तुझे हर जगह हीरोइन बनने का शौक है ना अंजलि? क्यों करती है तू ऐसा? क्यों क्यों करती है? बहू जी, हमने तो जो भी किया पल्लू को न्याय दिलवाने के लिए किया। अपनी नौटंकी करना बंद कर। मैं सब जानती हूँ, तू नहीं चाहती कि यश और रिचा का रिश्ता हो। आप क्या कह रही है बहू जी? हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि तू यश से प्यार करने लगी है। नहीं नहीं बहू जी, ये सच नहीं है। तेरे कह देने से कुछ नहीं होता। तुझे सबूत देना पड़ेगा कि तू यश से प्यार नहीं करती। आखिर बहू जी चाहती क्या है? नहीं जा पाए यश जी। मैं जानता था अंजलि, तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती।
हर जगह अंजलि ही अंजलि क्यों दिखाई दे रही? क्या हो रहा है मेरे साथ? अंजलि अपनी दवाई तो यहीं भूल गई। रिचा की खुशियां चाहती है ना और यश से प्यार नहीं करती तो आज तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। चल खड़ी हो जा जलते हुए कोयलों पे और दे अग्नि परीक्षा। तेरी आवाज नहीं तेरा जवाब चाहिए। बोल कि तेरे मन में यश के लिए कुछ नहीं है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।